टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 6। इसमें हम आज पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल क्या होता है और सर्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको आज हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है सर्किल। तो सर्किल एक राउंड है जो एक प्रकार लेते हैं, प्रकार के हम चारों तरफ उसको एक अक्ष के परिधि घुमाते हैं, उसके पॉइंट के परिधि घुमाते हैं, पूरे राउंड कवर कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिधि। कोई भी गोल चीज़ को हम या गोल राउंड को परिधि कहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ ये मध्य बिंदु है और इस मध्य बिंदु के परिधि हमने चारों ओर जो गोला घेरा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्किल। इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं परिधि और सर्किल। ये सर्किल हो गया। सर्किल का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर ये पॉइंट है, ये मध्य बिंदु कहलाता है। इससे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, मध्य बिंदु से और परिधि के कोण तक की दूरी, इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं आर। और अगर हम इसको एक और यहाँ पर आर ले लेते हैं, यहाँ से एक और आर ले लेते हैं, इसे कहते हैं डबल आर यानी 2R, और 2R को हम लोग कहते हैं व्यास। इस तरह से हम लोग ये कहते हैं, और इसको पूरा ये राउंड अगर हम लोग घुमा जाते हैं तो इसको कहते हैं 2πr। तो सर्किल बराबर होता है, या सर्किल बराबर हो गया 2πr। यहाँ से और पूरा राउंड कर दिया अगर इसमें आते हैं तो इसको कहते हैं 2πr। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना है, इसको कि पूरा एरिया इसको कवर करना है, इसको एरिया निकालना है पूरा, तो इसमें फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू एरिया एरिया सर्किल। और ये सर्कमफ्रेंस बोलेंगे इसको, सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर 2πr है। यहाँ हम ये देखते हैं कि r यहाँ दिया है रेडियस 7, यहाँ 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस दिया है, तो हमें सबसे पहले इसको सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सीयू और सर्कमफ्रेंस और सर्किल, इसका होता है 2πr। दिस इज फार्मूला। और इसको हम रख देते हैं क्योंकि r इक्वल टू 2 है, यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू इस पाई का मीन्स होता है 22/7, इसकी वैल्यू होती है हमेशा हर जगह यही होती है, तो 22/7 इसकी वैल्यू हो गई। और इसको 7 यहाँ पर हमने, तो अगर हमने इसको 7 लिख दिया, तो 7 क्योंकि r इक्वल टू 7 था, यहाँ 7 इसकी जगह, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ये सर्किल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, जबकि r इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यही फार्मूला यहाँ पर देखते हैं दूसरा, 22/7 यहाँ पर हो गया, अब आर स्क्वायर 2 times है, यहाँ 7 × 7। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर था इसलिए 7 और 22/7 ये था ही। तो अब इसका इसका मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 14 = 54 cm². ये हो गया इसका, यहाँ पर इसका एरिया हो गया सर्कल, एरिया ऑफ सर्किल। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। तो हमने समझा
आज सबसे पहले सरकमफेयर और एरिया ऑफ सर्कल।